हरियाणा राज्य सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर फरलो दे दी है। राम रहीम 21 दिन के लिए जेल से बाहर रह सकते हैं। यहां बता दें, मंगलवार सुबह 6:46 पर हनीप्रीत सुनारिया जेल से राम रहीम को लेकर यूपी के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हुई है। जानकारी के अनुसार एक गाड़ी में हनीप्रीत के अलावा ड्राइवर राजा और सीपी अरोड़ा, जबकि दूसरी गाड़ी में ड्राइवर प्रीतम, एडवोकेट हर्ष अरोड़ा और डॉक्टर पीआर नैन थे। पुलिस द्वारा सुरक्षा के पहरे में राम रहीम को जेल से यूपी ले जाया गया। बता दें, गुरमीत राम रहीम को साध्वी दुष्कर्म मामले में वर्ष 2017 में सजा सुनाई गई थी। उसके बाद उसे छात्रपति और रणजीत हत्याकांड में भी सजा हो चुकी है। तभी से वह सुनारिया जेल में बंद है। पिछली मर्तबा सरकार द्वारा 19 जनवरी को सरकार ने राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दी थी, जो यूपी के बरनावा आश्रम में व्यतीत की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फैसला दिया था कि राम रहीम को पैरोल या फिर फरलो हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं दी जा सकती, जिसके बाद राम रहीम की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर पैरोल या फरलो पर रोक हटाने की मांग की और न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रदेश सरकार राम रहीम को पैरोल या फरलो देने का फैसला खुद ले सकती है। फिर राम रहीम ने 21 दिन की फरलो की अर्जी दाखिल की और सरकार ने अर्जी स्वीकार करते हुए सोमवार को फरलो को मंजूर किया था।